हे गाइस, दिस इज जॉम एंड वेलकम टू सिविल राज, योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल ऑटोकैड फाइल्स को एक साथ असेंबल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 16 अलग अलग ड्रॉइंग्स हैं, और इन सारे ड्रॉइंग्स को अगर मैं एक एक करके काम करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, राइट? तो मुझे क्या करना होगा, इन सारे ड्राइंग्स को एक साथ लाना होगा सो डैट मैं उसकी एडिटिंग जो है या फिर उसमें जो भी आपका कैलकुलेशन है वो सब मैं अच्छे से कर सकूं। बेसिकली ये सब आरसीडीसी से जनरेटेड रिजल्ट्स हैं एंड इसी को मैं काम करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, अपने नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, सारे फाइल को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बार सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है और आपके पास आ जाता है ऑप्शन कॉपी एज पाथ का। उसके बाद नोटपैड में जाएंगे, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल सिविल राजा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको बिल्डिंग कंसल्टेंसी की सर्विसेज चाहिए या फिर आप लाइक किस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है वो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर थ्रू व्हाट्सएप या कॉल, यानी कि 8433248864। बहुत ही सिंपल सा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे अपने सारे रिजल्ट्स को पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं सो डेट हम लोग इसको आराम से देख सकें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपने सारे रिजल्ट को एक्सपैंड कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं जाऊँगा लाइक रिप्लेस ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो ड्राइव वाला पोर्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ तक, यानी कि अपने फाइल नेम से पहले तक का कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको ब्लैंक छोड़ देना है और कर देना है रिप्लेस ऑल, सारा का सारा रिप्लेस हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि लास्ट का जो है जो कि डॉट डीएक्सएफ है फॉर्मेट, इसको भी मुझे रिप्लेस कर लेना है। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, इसको भी कर देंगे रिप्लेस। ओके, रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे सब कुछ सीक्वेंस में आ गया है, ठीक है? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसके बाद मैं इसको एक सीक्वेंस में रख लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, उसके बाद एंटर, फिर ऊपर जाते हैं कंट्रोल वी। अब ये सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में आ गया। ओके, तो इसी सीक्वेंस में मेरे सारे ड्रॉइंग्स भी हैं। अभी मैं इसको कर लेता हूं सिलेक्ट, करेंगे कॉपी। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक वेबसाइट पे, जो कि वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर मैं किसी तरह से इस लाइक वेबसाइट को मेंशन करना भूल गया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली वहां पे इस लिंक को दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अपने डिस्टेंसेज को सेट कर लेते हैं कि हमारे एक ड्राइंग में कितना डिस्टेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक कॉपी बना लेते हैं इस ड्राइंग की, कंट्रोल वी। इसके बाद इस पर्टिकुलर कॉपी में ही हम लोग इसको एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, अपने डिस्टेंस को चेक करने वाला हूँ सो डैट मुझे ये आइडिया लग जाए कि मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए होगा। यहाँ पे फाइल इसलिए पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू ओपन दिस इन फाइल रीड ओनली, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है, ये डीएक्सएफ फाइल मेरा आ गया। उसके बाद मैं बेसिकली इस डिस्टेंस को मेजर कर लूंगा, यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं, डायमेंशन, उसके बाद यहां तक का डायमेंशन देख, ये जीरो लेयर समहाउ विजिबल नहीं है, इसको विजिबल बना लेते हैं पहले। उसके बाद मैच प्रॉपर्टी से इन दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं, मैच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग सिंपली इस जगह पे जूम कर लेंगे। ये है 18957। ओके, यानी कि ये 20,000 से भी ज्यादा हायर डिस्टेंस है, तो मैं उसको उसी बेसिस पे करूंगा। आपके ड्राइंग में जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसके हिसाब से कर सकते हैं आप काम। ओके, तो उसके बाद इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे, 20,000 है तो 40,000 यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं। डीएक्सएफ फाइल ही रहने वाला है, सबको मैं करूंगा एक्स एक्सिस में अलाइन। उसके बाद यहाँ पे कोड दे देंगे, लेट्स से इसका मैं कोड दे देता हूँ आई आई आई।
RRR कर देते हैं इसका कोड। उसके बाद हम लोग को जहां पे अपने फाइल का नाम देना है स्पेसिफिक फोल्डर में, तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पे जाके अपने नेम्स को पेस्ट कर देंगे। सारे नेम्स पेस्ट हो गए हैं वो देख लेना है। ओके, यहाँ पे जनरेट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, देन कॉपी प्रोग्राम। कॉपी प्रोग्राम हो गया, उसके बाद आ जाते हैं वापस से अपने इस लोकेशन पे। यहाँ पे आके नोटपैड को ओपन कर लेना है, न्यू, एंड देन यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम जो है मैं लिस्ट दे देता हूँ, लिस्ट। ओपन करेंगे इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कर लेंगे कंट्रोल एस से सेव, हो गया। अभी इसको कर देंगे क्लोज। फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने व्यू में। व्यू में आ गए, यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स को चेंज करना है। तो व्यू में जाइएगा, अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको विंडोज 10 में ऑप्शन आ जाएगा। मेरा विंडोज 11 है, तो मैं यहाँ पे शो में जाऊंगा और उसके बाद फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्लिक कर दूंगा। अभी ये जो फाइल नेम है इसको मैं चेंज करूंगा। पहले मुझे अपने नोटपैड में इसे क्लोज करना होगा। नोटपैड आई गेस मेरा क्लोज हो चुका है। इसके नेम एक्सटेंशन को चेंज करना है, उसके लिए हम लोग रीनेम कर लेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। और इसको हम लोग एक्सटेंशन दे देंगे LST। अब ये बन जाएगा हमारा लिस्ट फाइल। ओके, उसके बाद हम लोगों ने जो ऑटोकैड में अपना ड्राइंग ओपन कर रखा है इसे मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले तो सेव करने के लिए अगेन मैं सेम लोकेशन पे जाऊंगा। ओके, RCDC रिजल्ट में ही इसको सेव करेंगे। सेव कर लिया, अभी यहाँ पे ये एडिटिंग पॉसिबल है। ओके, देन मैं ऐप लोड ऑप्शन यूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे लिस्ट फाइल को लाइक सर्च करना है, तो जहाँ भी आपने लिस्ट फाइल को सर्च किया है आप वहाँ पे चले जाएंगे। मैंने किया है इसको इस पर्टिकुलर फोल्डर में, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ओके, RCDC रिजल्ट में था, यहाँ से लिस्ट फाइल को लोड कर लेना है। लोड हो गया, क्लोज। इसके बाद आपने कौन सा एक्सटेंशन दिया था यहाँ पे, कमांड III, यानी कि RRR से आपका ओपन हो जाएगा लिस्ट। तो III, एंटर। अब हम लोग को एक बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सपोज मैं अपना बेस पॉइंट जो है यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा 1 बाय 1 यहाँ पे सारा का सारा ड्राइंग जो है जनरेट होके आने लगेगा, एंड एक्स एक्सिस में वो सज जाएगा। मान लीजिए अगर आपका कहीं डिस्टेंस गड़बड़ हो गया तो आप उसको आराम से मूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ एज अ ब्लॉक आएगा, तो ब्लॉक है तो इसलिए आप इजिली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, और धीरे धीरे करके आपके सारे फाइल्स जो है यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। 16 हमारे पास फाइल्स थे टोटल। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे सारे के सारे फाइल्स जो है इसमें आ गए हैं, राइट, एंड सबका प्रॉपर डिस्टेंस भी यहाँ पे मेंशन हो गया है। तो इस डिस्टेंस के कारण ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अभी आ जाते हैं। जो जो मेरे ब्लॉक्स विजिबल नहीं है उन सबको विजिबल कर लेना है पहले। तो यहाँ से मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सो डैट जो भी चीज़ है वो सब यहाँ पे दिखने लगे। समहाउ इसमें विजिबल नहीं था, ये सारा ऑफ हो गया था। मैं उसको ओपन कर ऑन कर लेता हूँ। एक एक करके तो काफी टाइम लग रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेयर प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेता हूँ। लेयर प्रॉपर्टीज ओपन हो गया, मैं यहाँ से सारे के सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा और इसको शो आइकन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद सारे के सारे विजुअल हो जाएंगे यहाँ पे। अभी इसको कर लेते हैं क्लोज, और आप देख सकते हो कि जितनी भी मेरी ड्रॉइंग्स थी वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुकी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि कभी कभी कुछ ड्रॉइंग्स जो है ओवरलैप हो जाती है। इसका मेन कारण क्या है कि आपका जो ड्राइंग है वो ओवरलैप करता है। तो क्योंकि ये ब्लॉक में है तो आप इसको आराम से मूव कर सकते हो, या फिर अगर आपने जो मैक्सिमम डिस्टेंस का ड्राइंग है उसको आप कर लीजिएगा, लाइक कंट्रोल जेड।
इसको एक सिंगल अलाइनमेंट में रखते हैं, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं एक एक करके, सबको मूव कर लेंगे एंड इसको प्रॉपर एक ड्राइंग की तरह बना देख लेंगे। ओके ये शेड्यूल रहा हमारा। इसके बाद मूव, यहाँ पे एक शेड्यूल है, इसको मूव करके इधर रख लिया। उसी तरीके से हम लोग बाकी सबको भी मूव कर करके उसको प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे। ये हमारा लेआउट हो गया, देन शेड्यूल, देन इसके सेक्शंस एंड एलिवेशंस, देन ये एक लेआउट है। यहाँ पे इसका शेड्यूल है, आई होप यहाँ पे अब कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी अपना काम फिनिश कर सकते हो इस लिस्ट फाइल के कमांड से। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन सबको करने में, कि एक एक फाइल को सबको ओपन करना है, फिर उसको असेंबल करके एक जगह पे लाना है। तो आई होप इस ट्रिक से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक काम करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पे आने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ साथ शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे लाइक कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली एक नंबर पे कॉल करना है, नंबर है हमारे पास 8433-24-8864। इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको ये नंबर जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू सिविल राजा। थैंक यू गाइस।